आर्टिस्टिक योगा सोलो के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली पार्टिसिपेंट की एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है कि उसका स्ट्रेंथ। अब बेसिकली जो है ना, लोग आसन तो करते हैं बट आसन में आसन को ना एक ही जगह पे होल्ड करके रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। आर्टिस्टिक योगा में सारी एबिलिटीज देखी जाती है, स्पोर्ट साइंस का पार्ट है, मूवमेंट भी है साथ में, स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन है, बॉडी और माइंड का कंसंट्रेशन है कि हम किस जगह किस पोस्चर को बैलेंस कर पा रहे हैं। और इसमें निश्चित समय तक रोकना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है अपनी एंजाइटी को, मेंटली स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ता है, और युवाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है ये। इसके साथ साथ हम लोगों को स्पिरिचुअली जुड़ने का मौका मिलता है योग से। और वास्तविक देखा जाए तो योग काफ़ी अब ऊंचे लेवल पर आ रहा है। जैसे मैं योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनका एशियन चैम्पियनशिप मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें सेकंड पोजीशन आया था। ठीक इसी के साथ ही उसका बेनिफिट मुझे NSNIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में योगा का डिप्लोमा करने में काफ़ी हेल्प मिली है। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं अपना बैलेंस बनाएं, अपने जीवन में स्थिरता लाएं, ताकि योग को हम अच्छे लेवल तक लेके जा सकें।